कहानी की शुरुआत के स्टार्टिंग में कैलिफोर्निया धधकती आग की लपटों से घिरा हुआ था। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल फैला हुआ था। शहर की जनता जान बचाने के लिए शहर से दूर भागने की जद्दोजहद कर रही थी, तो इसी दौरान चोर लुटेरे अपने काम की चरम सीमा पर थे। इस दौरान जो नाम का पुलिस वाला हेडक्वार्टर में बैठकर परिस्थिति का जायजा ले रहा था। उसका काम था मुसीबत में फंसे लोगों के लिए मदद भेजना। जो एक ऊँचे पद पर अफसर था, पर 8 महीनों पहले हुए हादसे की वजह से उसे डिमोट करके ये काम दिया गया था। अगले दिन कोर्ट में हादसे की सुनवाई होने वाली थी, जो कि निर्दोष साबित होने पर उसे अपनी पुरानी पोस्ट वापस मिलेगी, पर अगर जो दोषी पाया गया तो उसे सजा भी मिलेगी। हादसे की वजह से नाराज होकर उसकी पत्नी बच्चों को लेकर चली गई थी। अपने बच्चों से बात करने के लिए उसने अपने पत्नी को कॉल किया, पर उसके कॉल को कोई रिस्पांस नहीं मिला। परेशान होकर जो कॉफी पीने लगा, कुछ समय बाद उसे एमिली नाम की महिला का कॉल आया। वो औरत अपने बच्चे को पुकारते हुए रोई जा रही थी। पहले तो जो उसे फेक कॉल समझकर कॉल कट करने वाला था, पर उसे एमिली किसी मुसीबत में होने का अंदेशा हुआ। एमिली की दर्द भरी आवाज और पीछे से किसी की फुसफुसाने की आवाज ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। कोई आदमी एमिली को कॉल कट करने के लिए दबाव बना रहा था। जो ने एमिली से कहा, मुझे पता चल गया है तुम किस परिस्थिति में हो, तुम बस मेरे सवालों के हाँ या ना में जवाब दो ताकि किडनैपर को शक ना हो। एमिली से मिले जवाबों से जो ने अनुमान लगा लिया था कि किडनैपर उसकी जान पहचान वाला ही कोई है। बातों बातों में उसे पता चला एमिली किसी सफेद रंग की गाड़ी में थी। जो ने तुरंत पेट्रोलिंग टीम को नाकाबंदी करने के आदेश दिए, पर पेट्रोलिंग टीम ने नाकाबंदी करने से मना कर दिया। पूरी तरह जलते हुए शहर से लोग सुरक्षित जगह जा रहे थे, ऐसे में हाईवे पर नाकाबंदी करना मुमकिन नहीं था। जो एमिली से आगे बात करने लगा, बातों के दौरान एमिली के मुंह से वैन शब्द निकला, जिसे सुनकर किडनैपर को एमिली पर शक हुआ कि वो किसी को अपनी परिस्थिति के बारे में बता रही है। उसने तुरंत कॉल काट दिया। अब जो की शिफ्ट खत्म हो चुकी थी, पर उसे एमिली की चिंता सताई जा रही थी। उसने तुरंत एमिली का फोन नंबर डाटाबेस में डाला। अगले ही पल उसे एमिली के घर का पता और लैंडलाइन का नंबर मिल गया। उस नंबर पर कॉल करने पर कॉल एमिली की 5 साल की बेटी एबी ने उठाया। उसने बताया उसका छोटा भाई सोया हुआ है और वो दोनों ही घर पर है। कुछ देर पहले हुए झगड़े के दौरान उसके पिता हेनरी उसकी माँ एमिली को कार में बिठा कर ले गए। छोटी एबी डरी हुई थी क्योंकि उसके पिता के हाथ में चाकू था। जो ने अनुमान लगाया शायद हेनरी एमिली का एक्स हस्बैंड होगा। उसने तुरंत एबी से हेनरी का मोबाइल नंबर लिया। हेनरी के बारे में चेक करने पर उसे हेनरी के पुराने क्राइम नजर आए, मतलब एमिली बहुत बड़े परेशानी में फंस चुकी थी। जो ने तुरंत एक टीम एबी के पास भेजी ताकि हेनरी बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचा सके। उसने तुरंत वरिष्ठ अधिकारी बिल मिलर को कॉल किया और एमिली पर आए खतरे के बारे में सूचना दी। पर मिलर के मुताबिक इस अफरा तफरी भरे हालात में हेनरी को ट्रेस करना मुमकिन नहीं था। उसने एबी और उसका छोटा भाई ऑलिवर को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एक टीम भेज दी और जो को इन बातों पर ज्यादा ध्यान न देने की सलाह दी। बिल मिलर ने जो के कोर्ट में पेशे के लिए झूठे गवाह भी जमा लिए थे। जो ने मिलर की बातें मान ली। अपने अस्थमा पंप का इस्तेमाल करके उसने एक राहत की सांस ली। उसने एमिली के केस से ध्यान हटाने की कोशिश की, पर वो चाहकर भी अपना ध्यान हटा नहीं पाया। उसने फिर से एक बार एमिली को कॉल किया, पर अब एमिली का मोबाइल बंद था। उसने बहुत देर तक एमिली की कॉल का इंतजार किया, पर एमिली का कॉल नहीं आया। उसने तुरंत हेनरी को ही कॉल कर दिया। हेनरी एकदम शरीफ बच्चों की तरह बात कर रहा था। जो ने उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश की, पर हेनरी जो को अपनी बातों में लपेट रहा था। तंग आकर जो ने हेनरी से सीधे ही पूछ लिया, वो अपनी पत्नी एमिली को किडनैप क्यों कर रहा है। इतना सुनते ही हेनरी ने कॉल काट दी। अब हेनरी का भी फोन बंद आ रहा था। तभी एक महिला पुलिसकर्मी जो के पास आई। उसने बताया कोई छोटी बच्ची उससे बात करना चाहती है। जो को समझने में देरी नहीं लगी कि एमिली की बेटी एबी ने ही उसे कॉल किया होगा। एबी जो को बताने लगी कोई उनका दरवाजा खटखटा रहा है। जो ने एबी को दरवाजा खोलने के लिए कहा क्योंकि पुलिस की टीम एबी को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए आ चुकी थी। कुछ समय बाद पुलिस ने जो को बताया इस घर में खून के ताजा धब्बे मौजूद है। ये खून एबी का छोटा भाई ऑलिवर का है। इसका मतलब जब एबी ने बताया कि उसका भाई सो रहा है तब वो मासूम मारा जा चुका था। किसी ने बड़ी निर्ममता से उसके पेट पर चाकू से वार किए थे। ये सुनकर जो सन्न रह गया। अपनी शिफ्ट खत्म होने के बावजूद उसने एमिली की हेल्प करने के बाद ही कुर्सी छोड़ने की ठान ली। एक बार फिर जो ने एमिली को कॉल किया। एमिली ने तुरंत कॉल उठा लिया। जो के पूछने पर एमिली ने बताया वो कार के ड्राइवर की बाजू वाली सीट पर बैठी है और हेनरी कार चला रहा है। जो ने उसे सीट बेल्ट लगाकर कसकर हैंड ब्रेक खींचने को कहा। एमिली ने बिल्कुल ऐसा ही किया, पर कार क्रैश नहीं हुई। उल्टा गुस्से में हेनरी ने एमिली को पीछे वाली सीट पर बिठा दिया। अब जो ने उसे हेनरी के सर में किसी चीज से वार करने के लिए कहा। अगले ही पल एमिली ने बड़ी अजीब बात कही। एमिली ने कहा हेनरी उससे बेवजह ही नाराज है, उसने तो बस अपने बेटे ओलिवर के पेट से सांप बाहर निकाले थे। ये सुनकर जो का सर चकरा गया। उसने एमिली से इस बार
बारे में पूछा। एमिली बताने लगी, कुछ दिनों से ओलिवर के पेट में दर्द था, इसलिए उसने चाकू से पेट में मौजूद सांप बाहर निकाल दिया। अब ओलिवर आराम से सो रहा है। इतना खतरनाक कांड करने के बावजूद ना समझ एमिली हेनरी के बर्ताव से परेशान थी। जो का दिमाग खराब होने लगा वो समझ गया, एमिली कोई मानसिक रोगी है जिसने अपने पागलपन में बच्चे को ही मार दिया और अपनी बेटी को बचाने के लिए हेनरी उसे दूर कहीं ले जा रहा था। इस दौरान एमिली ने एक ईंट से हेनरी की खोपड़ी फोड़ दी। अब हेनरी खून में लथपथ होकर पड़ा था। हेनरी को ढेर करके एमिली वहाँ से डरकर भाग गई। ये सब जो फोन से सुन रहा था, अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि अनजाने में उसने एमिली को आइडिया दी थी। इस दौरान उसे एमिली के घर गए पुलिस वालों का कॉल आया। उन्हें एमिली के मेंटल हॉस्पिटल के कागजात मिले थे, मतलब ओलिवर की हत्या करने के बाद हेनरी उसे मेंटल हॉस्पिटल ले जा रहा था, पर जो की वजह से एमिली ने हेनरी को ही जख्मी कर दिया। फैलाया हुआ रायता साफ करने के लिए जो एमिली को बार बार कॉल करता रहा, पर अब एमिली उसकी कॉल का कोई जवाब नहीं दे रही थी, जो अपनी गिल्ट में डूबा ही था। तभी एक अफसर ने आकर उसे बताया, इसी एमिली नाम की महिला का कॉल आया है। जो ने तुरंत कॉल उठाया। वो एमिली से अच्छे तरीके से बात करके उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। बातों के दौरान एमिली का ध्यान अपने कपड़ों पर लगे खून पर गया। अचानक उसे सारी बातें याद आने लगी। उसे एहसास हो गया था कि पागलपन में उसने अपने मासूम बेटे को ही मार दिया। अब वो भी अपने आप को गिल्टी मान रही थी। उसने ब्रिज से कूदकर अपनी जान देने का मन बना लिया क्योंकि अपने बेटे को मारने के बाद उसको जीने का कोई हक नहीं था। जो ने तुरंत पुलिस को उसकी लोकेशन भेज दी और एमिली को समझाने लगा। एमिली ने बच्चे को नहीं मारा, वो बेकसूर है। असल में जो ही इन सब के लिए कसूरवार है। यहाँ पर जो को 8 महीनों पहले हुए हादसे की याद आई। उसने गुस्से में एक 19 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्या को छुपाने के लिए उसने झूठे गवाह भी अरेंज कर लिए थे, पर अब जो पूरी तरह बदल चुका था, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। यहाँ पर एमिली और जो दोनों के हाथों से गलत काम हुआ था और एमिली ने अपनी गलती स्वीकार करके खुद को सजा देनी चाहिए। तो वही दूसरी ओर इतने दिनों से जो को अपनी गलती का एहसास तक नहीं था। कॉल से जो को पुलिस की गाड़ियों का सायरन सुनाई दिया। उनसे डरकर एमिली जो से कहने लगी, अब वो ब्रिज से कूदने जा रही है। इतना बोलकर उसने कॉल काट दिया। अब जो दुखी होकर रोने लगा। उसे लगा वो एमिली को बचा नहीं पाया और इसके लिए अब वो खुद को ही जिम्मेदार मान रहा था। उसने बार बार एमिली को कॉल लगाया पर एमिली ने कॉल नहीं उठाया। कुछ देर बाद पुलिस अफसर ने जो को कॉल करके बताया, एमिली कूदने ही वाली थी, उससे पहले ही हमने उसे पकड़कर बचा लिया। ये सुनकर जो की जान में जान आई। एमिली तो बच गई थी, साथ ही छोटा ओलिवर भी बच गया था। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, मतलब मासूम ओलिवर और एमिली दोनों ही ठीक थे। जो को एक खुशी का एहसास हुआ, साथ ही उसे 8 महीनों पहले किए गए गलती का एहसास हुआ। उसने गुस्से में किसी के बेटे की जान ली थी, अब वो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार था। उसने सभी को कॉल करके बताया, उन्हें झूठी गवाही देने की जरूरत नहीं, वो खुद ही कोर्ट में सच्चाई बताएगा। जो को ऐसा करने के लिए रोका गया क्योंकि ऐसा करने पर उसे जेल होनी तय थी, पर जो अपनी बात पर अड़ा रहा। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हुई। इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके बताना। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।